मरने की कगार पर पहुंची एक लावारिस गाय को शहर के युवाओं ने जीवन दान देकर मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है। दीगर शहर के इन नेक दिल युवाओं की इस पहल की समाज के हर स्तर पर सराहना की जा रही है। पेश है दीगर संवाददाता जुबेर खान की रिपोर्ट। शहर के तेलंगीपुरा इलाके में स्थित बरसों से बंद पड़े एक जिनिंग फैक्ट्री की खुली जमीन पर झाड़ियों के बीच बीते बुधवार की रात से एक गाय कीचड़ में बीमार अवस्था में पड़ी थी। परिसरवासियों ने अमन शांतिदूत परिवार के जिला उपाध्यक्ष और मुस्लिम शिव जयंती उत्सव समिति के अध्यक्ष अफजल खान को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे और उस गाय की जान बचाने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय कपिला गोरक्षण नामक संस्था से संपर्क किया और उन्हें इस गाय की हालत से अवगत कराया, लेकिन वहां से भी कोई सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिला। इस बीच रात में कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने गुरुवार 21 जुलाई की सुबह पत्रकार ऋषिकेश हिरास, आसिफ मोहम्मद हनीफ ठेकेदार, एहफाज खान, शाहरुख खान आदि साथियों के साथ मिलकर और आसपास के कुछ नागरिकों की मदद से बीमार गाय को इलाज के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण जाधव और डॉक्टर जगदीश सातपुते ने गाय की जांच की और उसका इलाज किया। डॉक्टरों द्वारा इलाज के बाद मरने की कगार को पहुंची गाय भी उठ खड़ी हुई। हालांकि गाय की हालत को देखकर पशु चिकित्सक ने अफजल खान और उनके साथियों के काम की सराहना करते हुए कहा कि अगर गाय को आधा घंटा भी देरी से लाया जाता तो गाय मर जाती। बहरहाल यह गाय अब सुरक्षित है और उसकी सेहत में भी सुधार है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अफजल खान, ऋषिकेश हिरास और उनके साथियों ने मानवता धर्म निभाकर जो इंसानियत की मिसाल कायम की है, उसकी सराहना समाज के हर स्तर पर की जा रही है। दिग्रस से बीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।